तो सबसे बड़ा सवाल है कि मंदिर है क्या, मंदिर क्या, मंदिर क्या मस्जिद की तरह है, क्या चर्च की तरह है? नहीं। और लोग कहते भी है कि मंदिर मस्जिद कैरक, ऐसा नहीं है। मंदिर न मस्जिद है न चर्च है, मंदिर न मस्जिद जैसा है न चर्च जैसा है। मस्जिद को क्या कहते हैं? प्रार्थना स्थल। प्रार्थना स्थल मतलब हबेट प्लाट्स। चर्च को क्या कहते हैं? प्रार्थना स्थल हबेट प्लाट्स, जहां आप प्रार्थना करने जाते हैं। लेकिन मंदिर बहुत बड़ा है। कैसे बड़ा है? मंदिर में लोग इसलिए जाते हैं, नहीं दूसरे ढंग से, कैसे? मंदिर प्रार्थना स्थल नहीं है, लेकिन आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो कहेंगे मंदिर क्या, ज्ञान प्राप्ति का जगह है? नहीं, मंदिर ज्ञान प्राप्ति की जगह भी नहीं है, लेकिन आपको ज्ञान मिल सकता है। फिर क्या है? मंदिर शांति स्थल है? नहीं, शांति स्थल नहीं है, लेकिन आपको शांति मिल जाएगी मंदिर जाएंगे तो। अच्छा, फिर मंदिर क्या है? मंदिर को क्या कहा जाता है? शक्तिपीठ। शक्तिपीठ मतलब शक्ति, शक्ति मतलब क्रख्त। तो मंदिर हमारे क्या है? क्रख्त, शक्ति की जगह है। जब हम कमजोर हो जाते हैं, हाँ, संसार की माया में फंस करके, जब हमारा मन कमजोर हो जाता है, जब हमारा दिल कमजोर, हृदय कमजोर हो जाता है, तो हम मंदिर जाते हैं अपने आप को फिर से शक्तिवान बनाने के लिए। मंदिर शक्ति के स्थल है, इसलिए मंदिर जाना चाहिए। होता क्या है हमारे आपके जीवन में? हम आप भटकते रहते हैं और उस भटकाव में हम कमजोर होते हैं। तो जब हम कमजोर होते हैं तो हमें शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए। वह जो ताकत दे उसे कहते हैं मंदिर। और मंदिर में क्या होता है? मंदिर में एक पुजारी रहते हैं, एक पंडित जी रहते हैं, वहां एक मूर्ति रहती है जिसकी सेवा होती है, और उस सेवा से उस जगह पर, उस मंदिर में शक्ति निर्माण होती है। और उस शक्ति निर्माण जब हो जाती है तो वहां पर जो लोग जाके जाते हैं उनको अपने आप शक्ति मिलती है, शांति मिलती है और ज्ञान मिलता है। मंदिर में आप प्रार्थना कर सके, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। मंदिर जाने के बाद थोड़ा जप करिए, थोड़ी प्रार्थना करिए, करना चाहिए, एकदम करना चाहिए। तो जो मंदिर शब्द है, म का अर्थ होता है मन, अधि का अर्थ होता है बुद्धि, र का मतलब होता है राम जी, मतलब ईश्वर। जहां आपका मन, आपकी बुद्धि भगवान से ओतप्रोत हो जाए, जहां आपका मन शुद्ध हो जाए, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, उसमें ईश्वर बस जाए, उसे कहा जाता है मंदिर। इसीलिए मंदिर जाना चाहिए, इसीलिए मंदिर जाना चाहिए, बहुत जरूरी है मंदिर जाना। और म का मतलब होता है माया, ए मटेरियल वर्ल्ड जो हमारे आपको, हमको आपको पागल करती है। न का मतलब होता है न, जहां माया हमारे मन से निकल जाए, और र मतलब ईश्वर, और ईश्वर बस जाए, उसे मंदिर कहते हैं। जहां हम थोड़ी देर के लिए जाएं और मन से माया निकल जाए, मोह निकल जाए, क्रोध निकल जाए, काम निकल जाए, उसे मंदिर कहते हैं। इसलिए मंदिर जाना चाहिए। और कुछ ज्ञानी लोग मिल जाते हैं, कहे हाँ भगवान तो मेरे मन में है,
तो मंदिर इसलिए मैं नहीं जाता कि भगवान तो मेरे मन में है। अच्छा, अब उनसे जरा सोच पूछिए दो मिनट बाद, तो दूसरे के निंदा करने लगेंगे। तो बताइए कहां, जब भगवान मन में है तो निंदा कैसे आ गई आपके मन में? दूसरे को गाली देने लगेंगे, तो जब आपके मन में भगवान है तो कहां से आ गई गाली आपके मन में? और वही मन जिस मन में अभी कह रहे थे भगवान है, दूसरे का धन पाए तो चुरा के जेब में डाल लिए। जो इस तरह के लोग हैं ना, बहुत बढ़िया फिलॉसफी बताते हैं हमको आपको कि भगवान तो मन में है इसलिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, मन भगवान तो सब जगह है इसलिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं। और कैसे रहेंगे, बहुत सहज है कहना कि भगवान मन में है इसलिए मंदिर नहीं जाते। कैसे मन में, जरा सच्चाई सोच लीजिए आप सब, हम सब मिलके। बकरी काट के और मुंह से नोच नोच करके मुंह में पेट में भर लिए, और मुर्गी की टांग नोच करके खा गए, अंडा फोड़ के पी गए, अभी भगवान मन में है मंदिर नहीं जाएंगे। बड़ी अच्छी बहस करते, जरा उनसे पूछिए एक बार, अगर भगवान मन में रहेगा तो ही मंदिर जाएंगे। जिसके मन में भगवान है वही मंदिर जाता है। जो केवल एक कहता है ना कि मेरे मन में भगवान है मंदिर जाने की जरूरत नहीं, ये सब हमको आपको बेवकूफ बनाते हैं और बेवकूफ समझते हैं। तो जिसके मन में भगवान है वो मंदिर जाता है, जिसके मन में भगवान बसते हैं वो कथा सुनता है, जिसके मन में भगवान बसते हैं वो बहस नहीं करता, वो बहस नहीं करता। तो इसलिए मन को शुद्ध बनाइए और मंदिर जाइए, बहुत जरूरी है मंदिर जाना, और मंदिर जाना ही चाहिए। मंदिर जाने से क्या होता है, कहेंगे समय नहीं मिलता, पाप करने के लिए समय मिल जाता है ना, निंदा करने के लिए समय मिल जाता है ना, चोरी करने के लिए समय मिल जाता है ना, झूठ बोलने के लिए समय मिल जाता है ना। अब बताइए, बस एक ही चीज है, मंदिर जाने का समय नहीं। जब हम रोज झूठ बोल सकते हैं, रोज पाप कर सकते हैं, रोज लोगों को धोखा देते हैं, तो रोज मंदिर भी जाना चाहिए, कम से कम पाप तो खत्म हो जाएगा। हम रोज सब कुछ करते हैं लेकिन मंदिर जाने के लिए बहाने खोजते हैं, भगवान मन में है जाने के क्या। और आजकल बड़े बड़े विद्वान भी पैदा हो गए हैं, बड़े बड़े मंदिरों के खिलाफ बोलते रहते हैं, मंदिर में दान देना नहीं चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए भैया, कहते भगवान को जरूरत नहीं है। हाँ, भगवान को एकदम जरूरत नहीं है, लेकिन मंदिर खड़ा रहे और आप वहां शक्ति स्थल बन सके, वहां आप आकर के प्रार्थना कर सके, इसलिए दान देना जरूरी है कि मंदिर खड़ा रहे। भगवान को जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है, क्योंकि मंदिर की जरूरत भगवान को नहीं है, हमको आपको है। इसलिए मंदिर चलता रहे इसलिए दान देना जरूरी है। बहुत बढ़िया बहस बताते हैं, जाएंगे कभी नहीं लेकिन बहस हमको आपको, हम लोग जो मंदिर जाते हैं उनको आके भाषण देने लगते हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रह हम लोग रहें। और मंदिर प्रतिदिन जाना चाहिए, प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए, रोज मंदिर जाना चाहिए, रोज मंदिर जाना। मंदिर में जाएंगे तो मन, और मंदिर का एक अर्थ और ले लीजिए, सुन लीजिए, जहां पर मन धीर हो जाए, धीमा हो जाए, शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, उसे कहते हैं मंदिर। तो मंदिर से ही होगा, बहस करने से नहीं होगा।